हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कल जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के यहाँ पर जो बीएससी फर्स्ट ईयर 2023 का यहाँ पर मैथ्स का फर्स्ट पेपर हुआ था कल, कौन सा नंबर थ्योरी एंड एब्सेट एलजेब्रा वाला यानी अमूत बीजगणित वाला पेपर जो कि यहाँ पर कल करवाया गया था, आज हम उसका यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं कि यहाँ पर इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। और एक बात हम आपको बता दें कि कल से जब यहाँ पर ये पेपर हुआ तब से लगातार स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आ रहे कि सर आपने जो वीडियो सीरीज बनाई थी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें से यहाँ पर लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, यहाँ पर काफी हमें यहाँ पर कमेंट देखने को मिली है। तो आप सबका शुक्रिया जो आपने इतनी अच्छी यहाँ पर कमेंट करी। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए पे यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते जो कि क्या है, अंक गणित के आधार भूत प्रमेय का कथन। फिर आता है आबेली समूह को परिभाषित कीजिए, जो कि हमने यहाँ पर फर्स्ट वीडियो यहाँ पर आबेली समूह का यहाँ पर बनाया था, आप सबको पता ही है। उसके बाद अवयव की कोटि, ये भी हमने यहाँ पर सॉल्व करवा रखा है। उसके बाद यहाँ पर होता है सिद्ध कीजिए चक्रीय समूह आबेली होता है, मैंने तो इसे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। उसके बाद में आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह प्रसामान्य उपसमूह होता है, मैंने ये भी करवा रखा है। आपके समयकारिता की अष्टी, ये भी हमने आपको सॉल्व करवा रखा है। उसके बाद यहाँ पर सरल वाले, ये भी सॉल्व करवा रखा है। विभाव वाले, इसके भी यहाँ पर हमने डेफिनेशन ये सब करवा रखी है। उचित गुणजावली को परिभाषित कीजिए, ये इसकी भी डेफिनेशन हमने उस सीरीज में करवा रखी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए आर कॉमा यहाँ पर आर यहाँ पर अपोन में आई वाले आर का एक विभाग वाले, तो विभाग वाले की भी हमने यहाँ पर डेफिनेशन करा रखी है। आगे हम यहाँ पर चलते तो अब यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन बी में। तो यहाँ पर आपने देखा कि मोस्टली यहाँ पर जो आपकी सेक्शन ए था उसमें से लगभग 10 में से हमने लगभग 8-9 जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पर अपनी सीरीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बना रखी है उसमें से हमने वहाँ पर करवा रखे। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर नंबर थ्योरी वाली बुक होती है आपकी, उसमें से यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पर आपकी जो एब्सट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूत बीजगणित वाली बुक है उसका जो पहला ही चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आप उस सीरीज को अभी अगर दोबारा जाके देखेंगे तो उस सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड की। तो यूनिट नंबर सेकंड में क्या आता है कि यहाँ पर समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी यूनिट का कि सिद्ध कीजिए कि परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि समूह की कोटि की भाजक होती है। अब आप उस सीरीज में जाके देखेंगे, जिन स्टूडेंट्स ने उस सीरीज दे रखी है उनको सबको ही पता है कि मैंने आपके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है अच्छी तरह से। और मैंने कहा भी था ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है। तो आप सबको पता है कि हर यूनिट में से इसमें दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करना ही होता है। तो अगर आप यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ में देखेंगे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा होगा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करा रखा है। और अगर हम बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट में तो आपने ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स ने थर्ड क्वेश्चन करा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड क्वेश्चन करा वो भी बढ़िया बात है। पर मैं अपनी यहाँ पर सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट में ये थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करवा रखा है और यूनिट नंबर सेकंड में आप देखेंगे तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पर इसे सॉल्व करवा रखा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड की। तो यूनिट नंबर थर्ड में आप देखेंगे सिद्ध कीजिए कि समूह के किन्हीं दो किन्हीं को यहाँ पर प्रसामान्य उपसमूह का यहाँ पर सर्वनिम्न उपसमूह का क्या होता है, प्रसामान्य उपसमूह होता है। मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करवा रखा और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था जो कि यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर जी से जी डैश पे एक समाकलिता है तो समाकलिता वाला ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सॉल्व करा रखा है। तो आप देखेंगे दोनों ही क्वेश्चन हमारी उस सीरीज में से यहाँ पर पूछे गए। अब बात करते हैं यूनिट नंबर फोर्थ की। तो यूनिट नंबर फोर्थ में आप ये क्वेश्चन देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र अनिवार्य प्रांत होता है परंतु इसका विलोम अनिवार्य सत्य नहीं होता। आई थिंक मैंने ये वाली थ्योरम भी यहाँ पर आपके सॉल्व करवा रखी है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखेंगे ये गुणजावली वाले चैप्टर्स में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर फिफ्थ की। यूनिट नंबर फिफ्थ में आप देखेंगे क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों की वले जेड प्लस और यहाँ पर इनटू एक मुख्य गुणजावली होती है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इसको आपको यहाँ पर सॉल्व भी करवा रखा है। ओके, जाके चाहे आप वहाँ पर देख भी सकते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज का प्लेलिस्ट है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व भी करा रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सिद्ध कीजिए कि आर एक कर्म विनिमय वलय होता है तो उसके बहुपद आर एक्स भी एक कर्म विनिमय वलय होता है, तो ये उसमें रिंग वाले चैप्टर्स में ये पूछा गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन सी में। सेक्शन सी में 12 का ए देखेंगे जो कि पूछा गया है दो पूर्णांकों का समशेष मॉड्यूल एम होता है, उनमें एम से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। तो आई थिंक ये नंबर थ्योरी वाली बुक में से आपकी चैप्टर आया है, ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद बी वाला यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि यहाँ पर ये परम्यूटेशन यानी क्रमचय वाले चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 14 का ए वाला है जो कि क्या है विभाग समूह में से क्वेश्चन है और विभाग समूह के भी हमने कई क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर आपने उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर से बी वाले यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो कि उपक्षेत्र वाले में से यहाँ पर ये पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक बीजीय संरचना कम विलंब
में तत्समकी वाले, तो कर्म विनिमय तत्समकी वाले यानी ये पूर्णांक के प्रांत का ये आपके क्वेश्चन से, अगर मैंने इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा रखे, इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस करा रखे, अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर थे तो आप इस क्वेश्चंस को कर सकते थे। अब बात करते हैं यहाँ पे बी वाले की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कर्म इन्हें तस्म की वाले आर कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व करवा रखा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मोस्टली जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे वो हमारे उस सीरीज में से पूछे गए थे, जो कि हमारे पास यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट द्वारा भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है। आइए आज के यहाँ पर जो आपका वीडियो पसंद आया होगा, इसके बाद यहाँ पर जो आपका सेकंड पेपर होता है, आप सबको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस यानी अवकलन गणित और समाकलन गणित वाला आपका पेपर है सेकंड, जो आपका होने वाला बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो उसके भी हमने यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हो सकते हैं तो सभी चैप्टर्स के हमने यहाँ पर आपके पूरा चैप्टर सॉल्व करवा रखा है। तो सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे करता हुआ यानी कर्वेचर, अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स, आंशिक अवकल यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन, पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण, बीटा एंड गामा फंक्शंस, तो ऐसे काफी चैप्टर्स हमने कंप्लीट करवा रखे, आप उन्हें देख सकते हैं। उन आपको जो चैप्टर्स में ही आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।